सरकार थी, तो यहाँ टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुआ था कॉलेजेस में, और उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसकी चलते सीबीआई रोक दिया था, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक बार फिर से पूछेंगे आप। जब भाजपा की सरकार थी तो यहाँ यूनिवर्सिटी टीचर्स के अपॉइंटमेंट में जेपीसी द्वारा गड़बड़ियाँ हुई थी और उसको लेकर के सीबीआई को ऑर्डर दिया गया, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अगर सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दिया गया था तो हमको नहीं लगता है कोई रोकने या रुकने का कारण रहा होगा। हो सकता है कि उस केस के बारे में बहुत डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ रोकने और रुकने वाली कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, किसी भी हैसियत के आदमी हो, अगर कोई जांच चल रही है तो पूर्ण होती है, और इसमें हम लोगों के तरफ से कोई हस्तक्षेप हो ऐसी कोई आप ऐसा कोई प्रेसिडेंट पाएंगे भी नहीं। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले नहीं आए, लेकिन हम उस भ्रष्टाचार के मामले को एक नजीर की तरह पेश करते हैं कि उस पर जो कार्रवाई हो वो आने वाले भ्रष्टाचारियों के लिए, फ्यूचर भ्रष्टाचारियों के लिए एक एक लेसन के रूप में हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी भ्रष्टाचार या अपराध का कोई मौका किसी भी राज्य सरकार के सामने आए, जैसे अभी आया है चंपई सोरेन जी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उन भ्रष्टाचारियों का बचाव कीजिए, उनको शील्ड कीजिए, या उन पर कड़ी कार्रवाई करके ये बताइए जनता को कि नहीं, हम अलग हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जेपीएससी की परीक्षा कराना यहां चुनौती है। लगातार कई तैयारियां होती हैं, फेल हो जाती हैं, परीक्षा होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। दूसरा, मुझे यह लगता है कि फिर वही बात जो पहले मैंने उत्तर दिया कि एक तरफ आप देखेंगे कि एक ऐसा नेतृत्व है राज्यों में हो, केंद्र सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी के पास, जो इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो सरकार के पास नहीं पहुंच सकते सरकार उसके पास पहुंचे। गवर्नेंस का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन बदल रहा है। और आप एक बात और देखेंगे कि राजनीतिक परिदृश्य से मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर भी हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से मुद्दे गायब हो रहे हैं। पिछले 50 सालों में देखिए तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये भारतीय राजनीति के मुद्दे रहे हैं कि हर आने वाली सरकार या हर वर्तमान सरकार पिछली सरकार को कोसती थी। बिजली आज मुद्दा है, लेकिन बिजली क्या मुद्दा है कि बिजली 2 घंटे क्यों कटती है? पहले बिजली मुद्दा थी कि बिजली नहीं है, ये मुद्दा थी। आज बिजली 24 घंटा रहना चाहिए, ये मुद्दा है। पहले सड़क होनी चाहिए, ये मुद्दा थी। आज सड़क का कोई गड्ढा 1 महीने से अटेंड नहीं किया गया है, ये मुद्दा है। पानी पहले होना चाहिए, ये मुद्दा है। आज सरकार ये गिन रही है कि किन घरों में पानी नहीं गया है, जल से नल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पूरे देश को पानी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में आप देखेंगे कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है पे लोग हैं, जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत से सबसे निचले स्तर पर हैं, आप देखेंगे कि एकलव्य विद्यालय जैसे मॉडर्न स्कूल्स खोले गए हैं जो सैकड़ों की संख्या में खुले हैं, और उन समाज के तबके तक के बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं जो स्कूल का मतलब तक नहीं जानते थे।